कौन डार्लिंग? मंसूर, वो लंदन से मेरा एक पार्सल आने वाला था, आया? आ चुका है सर। नाइस। मेरे कमरे में रखवाओ। जी। रंजना, इसे लेके बेडरूम में रखो। जी। What is this? ये सब क्या है मंसूख? जी वो छोटे बाबू और उनकी क्लासमेट यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। रवि घर में? जी। My son, रवि? Come on, darling, I will introduce my son. रवि, बेटा, come on, आजा बेटे। My son, रवि। Successor to my empire, रवि। चौधरी अंकल को जानते हो ना? उनकी पत्नी, मिसेस चौधरी, आज रात मुझे कंपनी देने आई है। नमस्ते आंटी। Hi, darling. रवि, कौन है वो? वो मेरी दोस्त है, वसु काम। ये है वसु, मेरी क्लासमेट। हेलो अंकल। क्या करते हैं तुम्हारे फादर? दूध के व्यापारी हैं। दूध के व्यापारी? रवि, तुम एक करोड़पति के बेटे हो, एक करोड़पति के, 200 करोड़ के वारिस। तुम्हें ये दूध बेचने वाले और गोबर निचोड़ने वालों के साथ नहीं घूमना चाहिए। डैडी, मेरी दोस्त है, आपका इस तरह बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुंह बंद रखो, मुझे जवाब देते हो? हंसोक, इस लड़की को बाहर निकालो, ऐसे लोग घर के अंदर नहीं आने चाहिए। Daddy, क्या Daddy, करते हो तुम लोग? डैडी प्लीज। डैडी, नो डार्लिंग, योर डैडी इज राइट, ऐसे लोगों के साथ तुम्हें नहीं घूमना चाहिए। यू शट अप। बदतमीज, घर आए मेहमान के साथ बदतमीजी करता है। जाओ, जाओ। कूल डाउन डार्लिंग, कूल डाउन। ऐसे समय में क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता, पर आई कैन से वन थिंग रवि, आज के बाद तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपनी हर खुशी हर गम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मेरी माँ कैसी थी मुझे मालूम नहीं, जब मैं बहुत छोटा था तब वो मर गई। डैडी ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन रोज एक मेहमान घर पर लेकर आते हैं। कुछ देर पहले जिस तरह तुमने मुझसे बात की वैसे मेरे डैडी ने कभी नहीं की। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि कैसे रिएक्ट करूं, मैंने तुम्हें गले से लगा लिया, इसके लिए आई एम सॉरी। आज के बाद हम दोनों के बीच में न थैंक्स न सॉरी, ओके? ओके। बाबूजी को लड़का चाहिए था, मगर मैं लड़की की तरह पैदा हुई और माँ होने और बच्चे नहीं दे पाई, इसलिए वो हमेशा मुझसे और माँ से खफा रहते हैं। तब से घर की सारी जिम्मेदारी बुआ के हाथ में है। ये क्या बचपना है? तुम्हें बाय का मतलब पता है? खुशी खुशी जाओ और सही सलामत वापस आओ। और मुझे पूरा विश्वास है रवि, इस फ्लाइट में ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जिसे मैं जानती हूँ। देन थैंक यू। थैंक यू? क्यों? तुमने मुझे भी बाय कई बार कहा है ना, इसलिए। रवि आओ। रवि, ये है मेरा घर। ओके रवि, बाय। बाय। कौन था वो लड़का, बोल। बाबूजी, वो मेरा फ्रेंड है। वाह 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 वाह, फ्रेंड है, हैं?
दिन भर यार के साथ मस्ती मार कर आई, माँ बाप ने देख लिया तो फ्रेंड है। बुआ जी आप बीच में मत बोलिए। लो सुन लो बात राजकुमारी की, आज मुझको बोल रही है बीच में मत बोलो, कल जब मटके सा पेट लेकर आएगी ना तो तुझको बोलेगी। अरे मिठुआ ये चुकरिया तो गई हाथ से। सच सच बोल, कौन था वो लड़का? बाबूजी वो मेरा दोस्त है। झूठ! देख सच सच बोल, नहीं तो मेरा हाथ टूट जाएगा। मैं सच ही कह रही हूँ, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है और सिर्फ मेरा दोस्त है। बाप के आँख में मिर्ची मत झोंक, सच सच बोल। वो मेरा पति है, प्यार करती हूँ उससे, शादी भी करना चाहती हूँ उससे, यही सब सुनना चाहते हैं ना आप? बस तुम्हें यो रवि? हाँ। तुमको प्यार चाहिए? इतना सा है, मिठवाया तो का बेटी चाहिए? आप लोग क्या बोल रहे हैं? तुमको बसु बेटिया से इश्क चाहिए? तू कॉलेज का स्टूडेंट है, वैसे ही रह, ज्यादा नखरा मत कर। बसु, तुम्हारे पिताजी के भेजे हुए गुंडे गेट के पास रवि को मार रहे हैं। क्या? चलो। मैंने अब तक वसु से प्यार नहीं किया है, लेकिन अब कह रहा हूँ, हाँ मैं वसु से प्यार करता हूँ और शादी भी करूंगा। अपने मिठुआ पहलवान से जाके कह दो कि जो कर सकता है कर ले। क्या हो रवि? तुमने हम दोनों के बारे में अपने घर में क्या कहा? क्या तुमने ये कहा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? माँ, बाबूजी कहाँ हैं? क्या हुआ? मैंने कल ऐसे ही कह दिया कि मैं रवि से प्यार करती हूँ, उसे शादी करना चाहती हूँ, इतनी सी बात, और उन्हें कॉलेज में लोगों को भेज दिया। ये सब क्या है? हर बात में झगड़ा, मारपीट, लड़ाई, इन सब के अलावा बाबूजी को कुछ आता भी है या नहीं? देखो वसुंधरा, मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि तुम रवि से प्यार करती हो, उसे शादी करना चाहती हो? देखो वसुंधरा, अगर तुम दोनों के बीच कुछ है तो उसे यहीं खत्म कर दो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और उस लड़के के लिए भी। कुछ देर पहले जिस तरह तुमने मुझसे बात की वैसे मेरे डैडी ने कभी नहीं की। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि कैसे रिएक्ट करूं, मैंने तुम्हें गले से लगा लिया, इसके लिए आई एम सॉरी। रवि क्या है? चुप रहे, रोज हमारे साथ घूमता था, आजकल अकेला अकेला घूमता है, और ये तेरे चेहरे में व्यापारी जैसा अजीब सा एक्सप्रेशन। ऐसा कुछ नहीं है यार। ऐसा कुछ नहीं है, जब गुंडे आए थे, हाँ मैं उसी से प्यार करता हूँ, शादी भी उसी से करूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, यही बोला था ना? अरे मामूली आदमी में कभी इतना दम नहीं होता, जो प्यार करते हैं उसी में इतना दम होता है। टोनी, मोनी, जल्दी आओ। अरे क्या है यार? तू मेरा पति है, प्यार करती हूँ उससे, शादी भी करना चाहती हूँ उससे, यही सब सुनना चाहते हैं ना आप? बस हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ,
शादी भी उसी से करूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, यही बोला था ना। अरे मामूली आदमी में कभी इतना दम नहीं होता, जो प्यार करते हैं उसी में इतना दम होता है। देखो वसुंधरा, मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि तुम रवि से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। आज के बाद तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपनी हर खुशी हर गम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तुम्हें कितना घमंड है अपने आप पे। अरे वो लड़की तुम्हें देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, और तुम उसके पास जाकर बात करने के बजाय स्टाइल मार रहे थे। अब तुम्हारा ही दिल उसे फोन करके बात करना चाह रहा है। उस टफर को तो लड़कियों से बात करना तक नहीं आता, लेकिन तुझे, तुझे क्या हो गया? उसे हमेशा टेस्ट करती रहती थी, उसकी टांग खींचती रहती थी, और आज, आज तो उसने तुझे देखकर स्माइल भी दी थी। उससे बात कर लेनी चाहिए थी। उफ। Yes. Oh no. हेलो। हाय। क्या रवि, इतनी देर कर दी? मुझे नहीं पता था तुम इंतजार कर रही होगी। बोलो। सीधे पॉइंट पर आ गई, ये लड़की तो बहुत फास्ट है। कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, समझ में नहीं आ रहा कैसे पूछूं। सेम प्रॉब्लम। क्या? हाँ, अब कुछ नहीं, तुम बोलो ना। मेरे पूछने के बाद तुम बुरा मत माना। हाँ, हाँ? बुरा मत माना, कहीं आला भी तो नहीं कहना चाहता। हाँ हाँ, बोलो। बोल दूँ? Yes. बुरा मत मानना। हाँ? No. Hey! तुम दोनों उधर क्या कर रहे हो? हमें प्यार हो गया है। We are in love. अच्छा, तो है? Yes, we are in love.